बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रवायतों की लज़त में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। जहाँ रिवायत और रिवायती खानों का जिक्र किया जाता है, वहाँ मुगलाई खानों का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम मुगलाई खानों को कैसे भूल सकते हैं। मुगलाई कुजीन की अगर बात की जाए तो ये उस ज़माने से चला आ रहा है जब बादशाही दौर हुआ करता था, और मुग़ल एम्पायर में तो बाकायदा इसका दस्तरखान लगा करता था। और वहाँ के जो लोग थे वो खाना बनाते वक्त जो बघाड़ लगाते थे वो सोने और चांदी से लगाते थे, क्योंकि उस ज़माने के लोगों का मानना था कि इससे इंसान को एनर्जी मिलती है, दिमाग तेज़ होता है और ताकत भी मिलती है। मुगलाई खाने जो है वो शाही खानों में आते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शाहाना अंदाज में बनाया जाता है और इसके अंदर नट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। काजू हो गए, बादाम हो गए, पिस्ते हो गए, किशमिश हो गई, और इसी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो आज की जो हमारी शेफ़ हैं जो मौजूद है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, वो भी हमें मुगलाई खानों में से कुछ बनाना सिखाएंगी। तो आइए हम बुलाते हैं हमारी आज की शेफ़ को और जानते हैं कि वो हमें क्या बनाना सिखाएंगी। तो हमारे साथ मौजूद है मनाहिल वकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी। तो क्या बनाएंगी आज आप हमारे इस किचन में? मैं आज मुगलाई चिकन हांडी बनाऊंगी। मुगलाई चिकन हांडी जी। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कराची से ही है। तो फिर ये मुगलाई खाना किस तरह? असल में मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं डिफरेंट कुजीन्स ना ट्राई करती रहती हूँ। ओके। तो ये मेरी मदर बनाती थी तो मैंने उनसे सीखा, और डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ ओके ठीक है। तो आज क्या बना रही हैं आप हमारे किचन में? आज चिकन मुगलाई हांडी। चिकन मुगलाई हांडी, ठीक है। तो फिर मनाहिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ मैं। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि चिकन आपने कितनी ली है? चिकन 500 ग्राम है। चिकन 500 ग्राम है, हाफ केजी के बराबर होगी। हाफ केजी के बराबर है चिकन। तो ये बोनलेस ली है? जी जी, ठीक है। तो क्या विद बोन्स भी इसको बना सकते हैं हम? नहीं नहीं, ये वाली बोनलेस हांडी में तो बोनलेस यूज होती है चिकन। चले ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं इसको मैरिनेट करूंगी और थोड़ी देर हम इसको रख देंगे ताकि मसाला फ्लेवर आ जाए। ठीक है, तो किस तरह मैरिनेट करेंगे? चले स्टार्ट करते हैं। ओके। हाफ टेबल स्पून मैं सॉल्ट लूंगी। सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। हाँ, एज पर टेस्ट। तो ये टेबल स्पून है या टी स्पून है? ये टी स्पून है। टी स्पून है, तो हाफ टी स्पून हम यूज़ करेंगे सॉल्ट। टी स्पून, ठीक है। और इसी में हम हाफ टी स्पून ही हम ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। अगर आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के लिहाज से, जैसे अगर टेस्ट पसंद है तो आप वो। काली मिर्चों का पाउडर लिया है आपने? जी जी। राइट। अच्छा, ये पाउडर जो है वो कहते हैं कि अगर हम बाहर से ले लेते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता, तो आपको क्या लगता है, हम बाहर से रेडी ले लेना चाहिए या घर पे थोड़ी सी मेहनत करके इसका पाउडर खुद से बनाना चाहिए? घर वाला ज़्यादा अच्छा होता है वैसे। घर वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर इसको हम बना के रख देते हैं तो ये जल्दी ख़राब भी हो जाता है, तो इसके लिए कोई ऐसी टिप है आपके पास? जी, एयर टाइट कंटेनर में रखें आप उसको, और उसमें कोई गीला, मतलब गीला स्पून यूज़ नहीं हो इस तरीके से, मतलब एयर टाइट रहे, और जो स्पून यूज करें वो बिल्कुल सूखा हो जैसे। अच्छा, और वैसे कुछ लोग इसको भून के भी रखते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उससे और फ्लेवर एनहेंस होगा इस चीज का। ठीक है, तो चिकन को हम मैरिनेट कर रहे हैं। ये चिकन हम कितनी देर इसको रख देंगे मिक्सिंग करके? हाफ आवर रख सकते हैं आप इसको। हाफ आवर रख सकते हैं, जितने देर रखेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अच्छा, तो अगर पहले से हमारा इरादा हो बनाने का तो क्या हम इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं? जी, रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक इसमें मैरिनेशन जा रही है, सिर्फ सॉल्ट और पेपर है, तो इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा जितनी देर इसको रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने स्टोव की तरफ जाएंगे। आ जाएं फिर आप अपने स्टोव की तरफ। जी मनाहिल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस स्टोव आग जलाएंगे। ठीक है, अब हम लो पे रखेंगे हम। ओके, लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ऑयल को पहले गर्म करेंगे। ठीक है, 3 टेबलस्पून तक ऑयल जाएगा। 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसके अंदर, और चिकन को हम मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन में।
अच्छा ये वैसे हांडी तो नॉर्मली हमारे यहाँ चिकन की ही बनती है जी जी, लेकिन ये जो रेसिपी आप बता रही हैं ऑब्वियसली मुगलाई रेसिपी है, बहुत यूनिक होगी, तो क्या अगर हमें इसको बीफ में या मटन में बनाना हो तो क्या हम बना सकते हैं? जी वो तो वेरिएशन हो सकती है हर चीज़ की, जैसे आपको पसंद है, बस रेसिपी की बेसिक्स आनी चाहिए आपको, फिर आप उसको कुछ भी अपनी तरह से कर सकते हैं। लेकिन फिर उसका मैरिनेशन थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, उसमें आप कच्चा पपीता डाल दें। हाँ क्योंकि बीफ और मटन को थोड़ा टाइम लगता है, तो आप उसमें कच्चा पपीता यूज करेंगे या कुछ और भी? कच्चे पपीते से ये होता है कि मतलब वो नहीं रहता, पाउडर जो आता है गोश्त गलाने वाला वो भी यूज कर सकते हैं। कच्चे पपीते ज्यादा सही रहेगा, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। अगर अवेलेबल नहीं हो किसी के पास तो ठीक है, तो घर में जो अवेलेबल हो गया, अब हम इसमें ये डाल रहे हैं अनियन, ग्रेटेड अनियन है ये। ठीक है, कितनी अनियन ली है आपने? ये 2 मीडियम लिए, 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स अनियन है। और इसमें आपने क्या पानी वानी कुछ मिक्स किया है? जी वो ब्लेंड करने के लिए, वरना ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा पानी। जी बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ठीक है, तो 2 मीडियम साइज की प्याज लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर दिया है। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा सा सौते नहीं हो जाए। अच्छा, इसको सौते करेंगे या ब्राउन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे कि ये बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और वैसे भी जब हम प्याज को ब्लेंड कर लेते हैं तो उसको इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं है। जी नाजरीन, तो चिकन मैरिनेट हो रहा है, प्याज को हम सौते कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हमारे आज के रिवायतों की लज्जत के किचन में मनाहिल हमें बता रही हैं कि चिकन मुगलाई हांडी किस तरह बनेगी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चिकन को मैरिनेट किया था और प्याज को सौते करने रख दिया था, तो मनाहिल अब हमें बताएं हो गई है प्याज? जी जी, बस प्याज को इतना ही करना है हमने, हल्का सा बस ट्रांसलूसेंट करना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, स्पून चाहिए आपको? थैंक यू। कितना पेस्ट डालेंगे? हाफ टी स्पून डाल दें आप पेस्ट, मतलब हाफ टी स्पून। ठीक है, हाफ टी स्पून। अच्छा, किसी किसी को ना अदरक और लहसुन का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्या अपने हाथ से डाल दें, बढ़ा सकते हैं इसकी क्वांटिटी। ठीक है, अदरक लहसुन डालने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे या और भी स्पाइसेस? 2-3 मिनट्स उसको थोड़ा सा उसको पकने देंगे ताकि उसकी फ्लेवर आ जाए, फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा। तो इसके अलावा ऐसा होता है कि घर में जब कोई दावत है, मेहमान आने वाले हैं, तो अम्मी कहती हैं कि आज खाना तुम बना लो? नहीं, इतना ज्यादा वाला नहीं बनाती, बस कभी कभी शौक होता है तो बनाती हूं। कभी कभी शौक होता है तो फिर अम्मी की हेल्प आउट कर देती हूं। जी जी, हेल्प तो मैं सही करती हूं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, अपना ही मैरिनेट हुआ है अच्छी तरीके से हमारा। ठीक है, लहसुन और अदरक आप देख सकते हैं कि इसका फ्लेवर इसमें मिक्स हो गया है, और चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी अभी वो हम इसमें वो डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम चिकन को उतनी देर तक सौते करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, वाइट हो जाएगा तो बस फिर हम अपनी चीज़ें। चिकन का कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर मज़ीद आगे बताएंगे कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे। और मुझे बताएं अपने बारे में कुछ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ और साथ में मैंने शेफ़ के कोर्सेज वगैरह किए हैं। अच्छा, कोर्सेज किए हैं आपने? जी जी। अच्छा, तो मुझे तो लगा कि आपने अम्मी से बना के ही सीखा है बनाना खाना। मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज किए मैंने, किए हैं कोर्सेज। तो इसके अलावा ये होता है कभी के घर में आप खाना बना रही हो, कोई बहुत मजे की चीज बन गई हो, तो फिर कहा जाता है फैमिली से कोई इस तरह की फरमाइश आ जाए कि अब ये बनाना सिखाओ या इसकी रेसिपी बनाना बताओ। हर बंदा यही पूछता है रेसिपी 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 तो हर इंसान, मतलब आप इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कि अब आपसे रेसिपी पूछी जाती है। अब मतलब पूरे खानदान में मशहूर है कि मतलब सब आते हैं ना तो पूछते हैं कि भाई आप रेसिपी बनाओ, ये मतलब इस तरीके। तो आपको पूछते हैं आपके खाने जैसे टीवी पे देखते हैं तो उसको भी ट्राई करके बताते हैं आपको कि ये हमने बनाया था बहुत मजे का बनाया था? नहीं, मुझसे ही पूछना ज्यादातर तो। अच्छा, और कभी ऐसा होता है कि कोई खाना वो ट्राई करते हैं आपसे रेसिपी पूछी हो या आपको देखा हो और चीज आगे पीछे हो गई, ऊपर नीचे, उतना अच्छा टेस्ट ना आया हो? अक्सर ये भी हो जाता है, मेरी मदर से ही ऐसा असल में होता है क्योंकि मैंने सीखा हुआ है और वो घर से करती हैं, तो वो जब मुझसे कभी कुछ पूछ के बताती हैं तो कभी उनसे भी हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान ने मतलब सीखा हुआ ना तो वो अलग ही बात होती है। हाँ, तो फिर आप क्या बताती हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जो हमारे नाज़रीन को भी देना चाहेंगी कि क्यों फ्लेवर ऊपर नीचे क्यों हो जाता है, टेस्ट पे क्यों फर्क आ जाता है? टेंपरेचर की वजह से होता है एक तो। हाँ, और एक होता है आपकी चीजें मतलब एयर टाइट नहीं रखते आप लोग जैसे। अच्छा, चीजों को प्रिजर्वेशन चाहिए और हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाँ, आपको
कुछ लोग नहीं रखते जैसे गंदगी में खाना बना रहे हैं इस तरीके से, तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ओके, तो चीजों की वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है। जी जी, बहुत फर्क पड़ता है। और अब क्या ऐड करेंगे हम? अब इसमें स्पाइसेस, देखें कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ओके, ये रेड चिली पाउडर है, ठीक है, ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये भी मैं देखूंगी कि मुझे मतलब जैसे हाँ। अगर ज्यादा पसंद हुआ तो आप ज्यादा डाल दें। वो कहा जाता है ना कि कोई भी स्पाइसेस जब आप यूज करते हैं तो हाथ थोड़ा सा हल्का रखें, और अगर टेस्ट करना हो तो आप कर लें। हाँ, और तो इसमें डल सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो जी कम जी। नहीं हो सकता। ये एक क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर, ये मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये क्या है? जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर, ये 1/2 टीस्पून जाएगा। ओके, हल्दी पाउडर जाएगा 3/4 टीस्पून, 3/4 चम्मच, ठीक है। हल्दी हो गई और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। डाल चुके हैं। और ये धनिया पाउडर जाएगा इसमें, ठीक। धनिया पाउडर भी 1/2 टीस्पून जाएगा। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर जो है वो भी घर में अगर बना के रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे इसको भी कहा जाता है कि भून के अगर इसका पाउडर बना लिया जाए तो इसके फ्लेवर में बहुत फर्क आता है। जी, घर वाले की बात ही अलग होती है, क्योंकि बाहर से तो मिलावट होती है ना उसमें बीच में। अब अच्छा। हम मसाले डाल के थोड़ी देर इसको पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए, ठीक है। तो 3-4 मिनट हाई फ्लेम पे हम चिकन को पका रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं रिवायतों की लज्जत में एक छोटे से ब्रेक के बाद। रिवायतों की लज्जत में हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब हम वापस आ गए हैं। चिकन हमने बनने के लिए छोड़ दी थी। मनाइल, बताएं चिकन कहाँ तक पहुँची? चिकन हो गई है हमारी तकरीबन, आप कलर देख लें कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। वाओ, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी आ रही है, मैंने नाश्ता नहीं किया तो मैं यही कह रही थी कि जैसे बन जाएगा तो सबसे पहले मैं इसी से ही नाश्ता कर लूँगी, थोड़ा सा ट्राई कर लूँगी। ओके, ज़रूर। अब देखिए चिकन इस तरीके से हो गई है पूरी, जैसे आपको नजर आ रही है इस तरीके से चिकन हो जाए, तब आप इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। ओके, टमाटो प्यूरी आएगी 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून जी, ठीक है। भर भर तो के डालेंगे। वैसे अगर इसको हम रख सकते हैं प्यूरी बना के टमाटो? जी जी, अभी बनाई है मैंने। नहीं, अगर ये बच जाती है तो क्या हम ज्यादा अगर बनाते हैं तो उसको रख सकते हैं? जी जी, आप इसके आइस क्यूब ट्रे होती है हाँ, उसमें आप डाल के उसको फ्रीज कर दें, फिर उसको आप किसी भी जार में भर के रख लें। अच्छा, फ्रीज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाते हैं टोमेटो प्यूरी को, तो इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं अगर ज्यादा बन गई। वैसे मेरे ख्याल से 1-2 मीडियम साइज के टोमेटो लेते हैं, अगर बड़ा है तो एक भी यूज कर सकते हैं, और प्यूरी बना के उसमें ऐड कर दें। या अगर आप प्यूरी नहीं बनानी है, आप छोटे छोटे से टमाटर काटें क्यूब में और उसमें डाल दें। अच्छा, वो भी तो सही रहेगा। अच्छा, तो अगर हम ऐसे ही टोमेटोज, तो वो गल जाएंगे ऐसे? तो जी, नहीं, बिल्कुल पीसेस रह छोटे होंगे ना? नहीं, वो गल जाएंगे आराम से। गल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सुस्ती हो रही है या आपके पास टाइम नहीं है या घर में लाइट नहीं है, जो आजकल बड़ा मसला है, तो टोमेटो प्यूरी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, टोमेटोज के छोटे छोटे स्लाइसेस करें और वो ऐड कर दें। जी मनाहिल, अब हमने इसको 2-3 मिनट्स देने हैं, ठीक है, टमाटो प्यूरी डालने के बाद, कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। और यहाँ पे अब मैं डालूंगी कैश्यू नट्स, ठीक है। ये कैश्यू नट पेस्ट चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी आप डाल सकते हैं पाउडर बनाकर भी। अच्छा, किसी भी तरीके से डाल दें, इसमें ना ग्रेवी आती है इस तरीके से, मतलब अच्छा। ये ठीक होता है, इससे ठीक होता है। ये मुगलाई खानों का जो असल मजा है वो नट्स से ही आता है। तो ये कितना ऐड करेंगी आप? ये मैंने 12 कैश्यू नट्स लिए थे, तो 12 जाएंगे इस रेसिपी के लिए। अच्छा, ठीक है। ये पाउडर है और पेस्ट भी डाल सकते हैं आप। पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो पाउडर और पेस्ट, पाउडर तो ऑब्वियसली वो ड्राई मशीन में बनता है, पेस्ट किस तरह से? पानी डालेंगे उसमें? जी, थोड़ा सा उसमें 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, 12 कैश्यू नट्स में 3 टेबलस्पून पानी जाएगा, तो वो उसका पेस्ट बन जाएगा। जी, पेस्ट बन जाएगा। तो दोनों में टेस्ट में कोई फर्क आता है? अगर पाउडर या पेस्ट, कोई फर्क नहीं आता। सही है, इसका असल काम थिकनेस लाना है, वो करेगा। ठीक है, इसका असल काम है थिकनेस लाना और फ्लेवर लाना, और खुशबू आए और पता चले कि कुछ शाही सा खाना बना है। अब क्या ऐड करेंगे इसमें? योगर्ट ऐड करेंगे, लेकिन विस्क करके। योगर्ट ऐड करेंगे?
विस्क करके मतलब अच्छी तरीके से उसको प्लेट कर आप, ठीक है, ऐसे नहीं ऐड करनी, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से फेंट लें। अच्छा, योगर्ट जो है अगर उसको हम ठीक से नहीं फेंटते तो फिर क्या इसमें लम्स बनते हैं? जी, लम्स वो नजर आते हैं, अजीब से लगते हैं। अच्छा, तो अगर आप फेंट के करते हैं तो वो एकदम क्रीमी सा और अच्छा सा लुक आता है, तो वो इस तरीके से, ठीक है। वैसे खानों के टेस्ट की अगर बात की जाए, कि मैंने आपसे पूछा था कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या खानों में मसाला आ जाता है, फ्लेवर वो नहीं आ पाता जैसे आप बनाती हैं, तो क्या मसालों को भी तरतीब से डालना उसमें ज़रूरी है? मसालों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये होता है कि जैसे कुछ लोग जैसे हीट का फ़र्क होता है, जैसे कुछ लोग ज़्यादा हीट दे देंगे चिकन को जला देंगे, प्याजों को जला देते हैं, शुरू में ज्यादा हीट नहीं देनी तो चाहिए, तो कलर तेज हो जाता है, ठीक है, मतलब ये चीजें जो होती हैं ये ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। मसालों की तरतीब जरूरी नहीं है लेकिन उनकी क्वांटिटी जरूरी है, ठीक है। कितनी देर बनाएंगे अब इसको? अब हमने इसको बस 2-3 मिनट इसको भी देंगे ताकि ये भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो 2-3 मिनट तक अभी क्या इसको कवर करेंगे? नहीं नहीं, अब इसमें पानी जाएगा, 150 ml इसमें पानी जाएगा, ठीक है, इसमें 150 ml पानी डालेंगे। ओके, 150 ml पानी इसमें डालेंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चिकन गल ना जाए, ठीक है। तो अब हम इसको कवर करेंगे। जी जनाब, तुम्हारे किचन में बन रही है चिकन मुगलाई हांडी। अगर आपसे कोई चीज मिस हो गई है तो कोई मसले की बात नहीं है, हम चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। मुगलाई चिकन हांडी अज्जा। चिकन आधा किलो, पिसी हुई काली मिर्च 3/4 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, तेल 3 खाने के चम्मच, ग्रैंड की हुई प्याज 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, टमाटर की प्यूरी 4 चाय के चम्मच, काजू 12 अदद, दही 3 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1/2 चाय का चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1/2 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 3/4 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 2 चाय का चम्मच। तरकीब, बोनलेस चिकन में पिसी हुई काली मिर्च और नमक शामिल करके 1/2 घंटा रख दें। काजू का पेस्ट बनाने के लिए काजू को ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लें और अब इसमें 3 बड़े चम्मच पानी डालकर पेस्ट बना लें। एक पैन में तेल को गरम करें, अब इसमें प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक पकाएं। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डालकर 1-2 मिनट तक तेज आंच पर रंग बदलने तक पकाएं। इसके बाद तमाम मसाले जात को शामिल करके दरमियानी आंच पर पकाएं। अब टोमेटो प्यूरी डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं। फिर काजू का पेस्ट डालें और दही भी फेंट कर डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हल्की आंच पर 3-4 मिनट तक पकाएं। अब 150 ml पानी में बड़ी मिर्चें डालकर 15 मिनट तक चिकन के गलने तक पकाएं। जब चिकन गल जाए तो इसमें गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी शामिल करके 2-3 मिनट तक हल्की आँच पर पकाएं। मज़ेदार मुगलाई चिकन हांडी तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड से वापस आ गए। आई एम श्योर आप लोगों ने रेसिपी नोट कर ली होगी अच्छे से। मनाहिल, चिकन कहाँ तक पहुँची? चिकन को हमने ढककर थोड़ी देर पकाया था ताकि वो अच्छी तरीके से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका जो फ्लेवर था, जो हमने इसमें नट्स ऐड किए हैं और जो मसाले ऐड किए हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, मुझे तो लग रहा है बहुत मज़े किए। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और आपको ज़रूर ट्राई करनी है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर आपके घर में कोई आ रहा है। बहुत ही झटपट से बनने वाली रिवायती रेसिपी है ये। तो मनाहिल, चिकन हो गया है, ये टाइम ऊपर आ गया सारा। अब हम इसमें ना ये गरम मसाला डालेंगे, ठीक है, गरम मसाला पाउडर। जी जी, गरम कितना ऐड करना है? 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। जब चिकन गल जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और ये कसूरी मेथी है, ठीक है, ये भी आप ऊपर से इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून या टीस्पून? 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून जी जी मेथी ऐड करेंगे, कसूरी मेथी, ठीक है। और फिर कितनी देर तक इसको छोड़ देंगे? बस 2 मिनट तक। 2 मिनट तक इसको छोड़ देंगे ताकि इसका भी फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। ऊपर से हम थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे, ठीक है, कोरिएंडर ऐड करेंगे।
अच्छा मनाहिल मुझे एक बात बताएं कि इसको हम किसके साथ, नान के साथ खा सकते हैं, और अगर चावल के साथ हमें खाना हो तो फिर क्या इसको? तो आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी को पतला रखिए अगर चावल के साथ खाना है। अभी मैंने जैसे थिक रखा है ना, तो ये नान या रोटी के साथ खाने वाला है। ठीक है, तो अगर इसको आप नान के साथ खाना चाहते हैं तो ग्रेवी को थोड़ा सा थिक कर लेंगे, और अगर आप इसको चावल के साथ, चूँकि हमारे जो कराची के लोग हैं वो चावलों के बड़े शौकीन हैं, तो ग्रेवी को थोड़ा सा थिन कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि चावलों के साथ भी इसको खाया जा सके। तो अभी सर्विंग बाउल दूं मैं आपको? जी। बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है आज हमारे किचन में बन रही है। ठीक है, मैं पकड़ लेती हूँ। जी, आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलर है, ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है। बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी है, इसको आप अपने घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं अगर घर में। और आपने ये देखा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में मौजूद अगर नहीं है, मतलब ऐसी ऐसे स्पाइसेस और ऐसी चीज़ें हैं कि हर वक्त ही हमारे घर में मौजूद होती ही होती हैं। और ये वन पॉट रेसिपी है। मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर, इसकी खुशबू, और देखकर ही अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ कि इसको ज़रूर खाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अब इसको गार्निश करेंगे। जी, कोरिएंडर से इसको गार्निश कर रहे हैं हम। आप कैशियो नट से भी कर सकते हैं। ठीक है, नट्स तो आई थिंक आपने सारे यूज कर लिए। जी, मैंने सारे उसमें यूज कर लिए, लेकिन ऊपर से आप जो भी करना चाहें। इन्होंने तो सारे नट्स यूज कर लिए, आप थोड़े से बचा के रखिएगा, या थोड़े से ज्यादा नट्स हैं उसका पाउडर बना लीजिएगा, तो उससे भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, जब देखने में इतनी अच्छी है, स्मेल्स सो गुड, अट्रैक्ट करी अपनी तरफ, तो सोचे कि खाने में कैसी होगी। तो मनाहिल, इसके अलावा मुगलाई खानों में आप क्या बना लेती हैं? मैंने अभी तो यही ट्राई की है ज़्यादा, और मैं ज़्यादा यही बनाती हूँ। इंशाल्लाह मैं और भी अभी ट्राई करूँगी। और भी ट्राई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो फिर मनाहिल से हम और भी कुछ सीखेंगे। ये सीक्रेट सी रेसिपी थी, इसके अलावा और भी हम किसी और शो में भी आपको बुलाएंगे। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आप सबके साथ, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, और जब हमारे किचन में कोई अच्छा सा कुकिंग एक्सपर्ट आता है, शेफ आता है, और बहुत मज़े की अगर डिश बनाता है, तो हमें और अच्छा लगता है और खा के और ज़्यादा अच्छा लगता है। जी नाज़रीन, तो वक्त चूँकि ख़त्म होता है हमारे इस प्रोग्राम का, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले शो में किसी नई रेसिपी के साथ, किसी अच्छे और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।